थे ना, आप चाय लें और एक छन्नी लें और आप छन्नी में होल्स हो जाए, तो आपका क्या होएगा? सामान जो नहीं जाना चाहिए ब्लड में, वो चाय में वो जा रहा है. तो दिस अगेन वही लीकी गट जैसे प्रॉब्लम होती है, होल्स इन योर गट लाइनिंग हो जाते हैं. तो अगर आप सिर्फ ग्लूटेन को देखें इसमें अलॉन्ग विद सॉसेस जो जाते हैं जिसमें बहुत बाइंडर्स फिलर्स एंड एडिशंस होते हैं, ऐसे जो अभी हम बात कर रहे हैं वो सीधा जाके आपके गट लाइनिंग को फाड़ती है. अगर आप पालक भी खा रहे हैं उसके बाद वो पचाती नहीं है, वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए आपको इतनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती है. विटामिन डी नहीं पचता, ई नहीं आता, इन सब के एक रोल होते हैं बॉडी में. अगर आप बच्चों में देखें तो जब उनके ये सारे ट्रेस मिनरल्स और विटामिंस कम हो रहे हैं बॉडी में, तो उनके सीधा रिलेशन विटामिन डी और डिप्रेशन एंजाइटी से हो जाता है. मिर्च, कई लोगों को जो है वो सूट नहीं होती, लोग कहते हैं नहीं 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 मिर्च खाने से हमारा पेट खराब हो जाता है, तो क्या ये सही है? हाँ, तो उसका इंडिकेशन है कि आपके जो गट की लाइनिंग होती है ना उसमें अल्सर्स वूंड्स हो गए या छेद हो गए. ऐसा क्यों? लेकिन हाँ, जिसने अगर बचपन से ही मिर्च मसाला तीखा नहीं खाया है उसके साथ क्या प्रॉब्लम? क्योंकि उसके साथ कोई और रीजन से वो अल्सर हो गए थे या वूंड्स हो गए हैं बॉडी में, गट लाइनिंग्स में, जिसका पोल्यूशन से भी नाता है, जिसका आपके वीट इंटेक से भी नाता है, जिसका आपके स्ट्रेस से भी नाता है. सो तीन या चार चीज़ें तो डेफिनेट हैं कि आपके बॉडी में आपकी गट लाइनिंग उसको यू नो देर इज कहते हैं ना, आप चाय लें और एक छन्नी लें और आप छन्नी में होल्स हो जाए, तो आपका क्या होएगा? सामान जो नहीं जाना चाहिए ब्लड में वो चाय में वो जा रहा है. तो दिस अगेन वही लीकी गट जैसे प्रॉब्लम होती है, होल्स इन योर गट लाइनिंग हो जाते हैं, इसलिए बहुत सारे फूड ग्रुप्स उनको ठीक नहीं लगते हैं और उनको इरिटेट करते हैं उनकी गट लाइनिंग. So it's possible. तो जो पहले मसाला मिर्ची नहीं खाता था क्या बाद में वो वापस खा सकता है, शुरू कर सकता है? अगर आप इस लीकी गट इशू को देखें, इसको सॉल्व करें, तो एब्सोल्युटली आपकी वो जो छन्नी है वो बिल्कुल वापस सील हो जाएगी. तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन रेट कम हो जाएगा, अल्सर्स कम हो जाएंगे, वूंड्स कम हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप कुछ भी बचा सकते हैं उसके बाद, देयर इज नो इशू. अब यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स प्रोसेस्ड फूड की तरफ ज़्यादा भागते हैं और यंगस्टर्स तो चलिए समझदार हो गए, लेकिन जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स आजकल वर्किंग है, प्रोसेस्ड फूड हमारी गट हेल्थ पर कैसे प्रभाव डालता है? सो जो प्रोसेस्ड फूड है उसमें वैसे ही बहुत सिंथेटिक एडिटिव्स होते हैं, राइट? अगर आप बेसिक बर्गर बंस को देखें, तो अगर आप सिर्फ ग्लूटेन को देखें इसमें अलॉन्ग विद सॉसेस जो जाते हैं जिसमें बहुत बाइंडर्स फिलर्स एंड एडिशंस होते हैं, ऐसे जो अभी हम बात कर रहे हैं वो सीधा जाके आपके गट लाइनिंग को फाड़ती है. उसके बाद सारे जो आपके बॉडी की विटामिन न्यूट्रिएंट्स, अगर आप पालक भी खा रहे हैं उसके बाद वो पचाती नहीं है, वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए आपको इतनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती है. विटामिन डी नहीं पचता, ई नहीं आता, इन सब के एक रोल होते हैं बॉडी में, अमीनो एसिड्स मिनरल्स, तो वो आपके नाउ बहुत और प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करता है. स्पेसिफिकली अगर आप बच्चों में देखें तो जब उनके ये सारे ट्रेस मिनरल्स और विटामिंस कम हो रहे हैं बॉडी में, तो उनके सीधा रिलेशन विटामिन डी और डिप्रेशन एंजाइटी से हो जाता है. और जब वो कम मूवमेंट करते हैं, जैसे गैजेट्स बहुत यूज़ करते हैं, अगेन क्या हो रहा है, लो मूवमेंट की वजह से इतनी बैड बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रही है, वो भी जाके कहीं ना कहीं आपकी गट लाइनिंग को खा रही है. सो देर आर टू मैनी ट्रिगर इफेक्ट्स जिसको कहते हैं उसके वजह से. सो प्रोसेस्ड फूड डेफिनेटली शुड जस्ट बी, बच्चे हैं खाएंगे तो सही, सो इट शुड बी लाइक अ रिवॉर्ड आफ्टर टू वीक्स और समथिंग दैट ओके लेट्स एंड ट्राई एंड मेक दैट बर्गर एट होम, यू नो, एंड इट विल बी स्टिल वेरी हेल्थी फॉर देम. सो आपने अपने आंसर में ग्लूटेन का जिक्र किया था. अब आजकल जो मार्केट में वाइट बन के अलावा ब्राउन ब्रेड, आटा ब्रेड, तो व्हाट इज ग्लूटेन? ग्लूटेन कितना अफेक्ट करता है हमारी गट हेल्थ को, और ये क्या अलग अलग तरह के जो ब्रेड हैं क्या ये भी ग्लूटेन का पार्ट है या आप इसको खा सकते हैं? नहीं, ऑल दीज ब्रेड्स में मोस्टली ग्लूटेन तो होता है, इसका एक प्रोटीन कहते हैं ग्लियाडिन, वो चीज़ थोड़ी सी लोगों को सूट नहीं करती है जब आपको प्रॉब्लम हो चुकी है ऑलरेडी. वैसे खाएंगे तो आप पचा लेंगे, जैसे आप मुझे बोलेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको ब्लोटिंग होती है, लूज स्टूल्स होते हैं या एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो दीज आर सिग्नल्स की लाइक आई सेड कोई कुछ तो खराबी है आपके गट लाइनिंग्स में, आपके स्टमक एसिड्स में. उनके लिए क्या होता है, ये ग्लियाडिन जो ग्लूटेन से आता है वो इतना बड़ा साइज होता है, वो आगे जाके आपके यू नो लाइनिंग्स को और फाड़ता है इजिली. अनडाइजेस्टेड प्रोटीन उसको यही कहते हैं. तो
फॉर दोज पीपल आई वुड से दे वुड हैव टू अवॉइड ग्लूटेन, नहीं तो बहुत ज्यादा फूड एलर्जीज और सेंसिटिविटीज हो जाती है उसके वजह से।